नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले आयुष्मान भारत योजना कार्ड के बारे में। अगर आप लोग भी अपना आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठे आप खुद से अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से बना सकते हैं। आपको कहीं भी CSC सेंटर या यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे खुद से बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाना है तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाले कि किस प्रकार से आपको बनाना है। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेनिफिशियरी पोर्टल से एक नया आयुष्मान कार्ड आप किस प्रकार से बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बनाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक बेनिफिशियरी पोर्टल ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो करता है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। अगर आप एक आम आदमी हैं तो आप बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस पोर्टल का ऑपरेटर आईडी है तो आप ऑपरेटर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक आम आदमी हैं तो आप बेनिफिशियरी सेलेक्ट कीजिएगा और अपना यहाँ पर जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा और यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड कर दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, उस OTP को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी मेरे मोबाइल पर OTP है उसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं और ये कैप्चा फिलअप करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम OTP और कैप्चा फिलअप कर दिए, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्कीम पे क्लिक करके आपको तीन स्कीम शो करता है। आपको क्या करना है, PMJAY आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको स्टेट पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा बिहार है तो हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहां पर सब स्कीम का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको तीन ऑप्शन शो करता है, आप BOCW अगर आपके घर में लेबर कार्ड बना है तो आप BOCW सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बना है तो आप PMJAY सेलेक्ट रहने देना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करने पर सर्च बाय का एक ऑप्शन आ जाता है, आपको क्या करना, इस सर्च बाय ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने इतना सारा ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहाँ पर फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम, रूलर, अपना एरिया से और अपना पर PMJAY से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपना उसका नाम डालते हैं और यहाँ पर उसका जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका नाम डाल के हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नाम डाल दिए, यहाँ पर देख सकते हैं। नाम डालने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर आपको एक सर्च का आइकन शो करता है, आपको सर्च पे क्लिक कीजिएगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद उस नाम से जितना भी यहाँ पर होगा सारा नाम शो करेगा। आपको क्या करना है, उसका नाम और उसका फादर का नाम आपको मैच करके आपको यहाँ पर KYC करना होगा। तो चलिए हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नाम मिल चुका था। आपको क्या करना, यहाँ पर एक KYC का बटन शो करे, आपको क्या करना, इस KYC पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करते इस तरह से आपके सामने उसका पूरा डिटेल आ जाता है। अब आपको क्या करना है, उसका आपको यहाँ पर KYC करना होगा। तो आपको यहाँ पर आधार OTP या फिंगरप्रिंट या आईडी, आपको क्या करने पर कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आधार OTP सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके यहाँ पर हम आधार नंबर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कंसेंट आ जाता है। आपको क्या करना, इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना और यहाँ पर एलो पे क्लिक कीजिएगा। एलो पे क्लिक करने बाद यहाँ पर देखते हैं आधार नंबर पर, यहाँ पर उसका यहाँ पर आधार OTP एक सेंड हो चुका है और यहाँ पर एक ऑपरेटर OTP सेंड हो चुका है। तो आपको क्या करना, इस दोनों OTP को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर हम फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम ऑपरेटर OTP फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी का जो आधार OTP आया उस OTP को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। जैसे आप फिलअप करते हैं तो इस तरह से कंसेंट लेगा, यहाँ पर देख से कंसेंट लेने बाद यहाँ पर 34% मैच कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आपको क्या करना, एक फोटो अपलोड कर देना। तो चलिए यहाँ पर इसका एक फोटो हम अपलोड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक कैप्चर फोटो का ऑप्शन आता है, आपको कैमरा पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके कैमरा में आपको यहाँ पर फोटो लाना है और यहाँ पर आपको कैप्चर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर फोटो आ गया, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तो फोटो कैप्चर हो चुका है। अब आपको क्या करना, नीचे की ओर आना है। यहाँ पर देखते मैच स्कोर कैलकुलेट बाय यूजिंग आधार KYC डाटा एंड सोर्स इन्फॉर्मेशन, लेन देन 80%। यहाँ पर जो भी यहाँ पर 80% अगर मैच लगा तो यहाँ पर इसका जो कार्ड है वो पेंडिंग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर 80% से कम है तो उसका कार्ड पेंडिंग जाएगा। तो यहाँ पर देखते जो कार्ड यहाँ पर 34% मैच कर, ये जो कार्ड हम बनाएंगे वो पेंडिंग जाएगा। तो हम पर तब पर भी हम यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। आपको पूछा है डू यू हैव मोबाइल नंबर, अगर इसके पास मोबाइल नंबर है तो ये अपना मोबाइल नंबर डाल के आप वेरीफाई कीजिएगा। तो मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर ईयर्स ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करके उसका बर्थ यहाँ पर उसका जो भी यहाँ पर DOB का बर्थ है वो DOB का बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर रिलेशन विथ फैमिली है, आप जो भी हैं सेल्फ है, डॉटर है, फादर है, हस्बैंड है,
जो भी रिलेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके एरिया का पिन कोड डाल देना है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उसका स्टेट सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसका यहाँ पर रूरल या अर्बन जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के अप्लाई सक्सेसफुली हो जाता है। अगर यहाँ पर उसका यहाँ पर 80% से ऊपर है तो उसका कार्ड यहाँ पर तुरंत बन जाता है, आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कार्ड अगर यहाँ पर 80% से नीचे है तो पेंडिंग जाएगा, तो आपको कुछ दिन वेट कीजिएगा, उसका कार्ड यहाँ पर बनकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही उसका कार्ड बन जाता है यहाँ पर अप्रूव शो करेगा और डाउनलोड कार्ड पे क्लिक कीजिए तो इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप अपना आयुष्मान कार्ड आप बना सकते हैं बेनिफिशियरी पोर्टल से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।